बादलों में अभी हम कॉफी पी रहे हैं। हम ढाका में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा तेज यहाँ पे ये बोट जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, आज जो है मेरे को जो है पहली फ्लाइट है मेरी जिंदगी की, तो आज जो है अभी मैं निकला हूँ। मैं अभी पहले हूँ एनआईटी चले हम एयरपोर्ट। इस टाइम सुबह के बजे हुए हैं 5 और 7 बजे की जो है फ्लाइट है, तो 2 घंटे पहले पहुँचना था, तो लेट पहले से ही हो गए। तो चलते हैं, पहले से गाड़ी में बैठते हैं, निकलते हैं इधर से। तो यहाँ पे सुबह होने को बिल्कुल तैयार हो गई है, देखिए आसमान नीला सा हो गया है। आगे अपना लगेज और ये रही गाड़ी, और चल रहे हैं अभी तरह से हम फिर एयरपोर्ट, और ये लगेज और ये रही गाड़ी यहाँ से जा रही है। वहाँ से ट्रॉली पकड़ते हैं, लेते हैं इसको लगेज को अंदर। बाकी अपना हाल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, अच्छे से जो है फ्रेश भी नहीं हो पाए सुबह सुबह, बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठा लिया है। तो भाई फिलहाल मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर, मेरा श्रीनगर एयरपोर्ट। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेन है, और ये रहा एयरपोर्ट जहाँ से हम कुछ भी खा सकते हैं। तो ये रहा हमारे प्लेन का टिकट। तो फ्रेंड्स, सारी चेकिंग जो है हो चुकी है, अब सिर्फ हमें जो फ्लाइट में चढ़ने और करना है वेट 1 घंटे का, क्योंकि 1 घंटे का डिले दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुके हैं हम। डिले तो नहीं दिखा रहा है, हम भी ज़्यादा जल्दी आ चुके हैं, और ये एयरपोर्ट। तो अभी हमने प्लेन में चढ़ने जा रहे हैं, ये रहा हमारा प्लेन, इसमें भी नहीं जाना है अभी दिल्ली। तो यहाँ से हम अंदर चले हैं। प्लेन में बैठ चुके हैं और यहाँ से बाहर का व्यू देख रहे इस बादलों में अभी हम कॉफ़ी पी रहे हैं, और ये स्नैक्स लिया है कुछ। थैंक यू फॉर चूजिंग इंडिगो एंड गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू टुडे। इट हैज बीन अ ट्रू प्लेजर। वी लुक फॉरवर्ड टू फ्लाइंग यू टू योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वेरी नियर फ्यूचर। थैंक यू। जहाज में अभी हम आ चुके हैं एयरप्लेन में, और बैक डोर भी ओपन हो रहा है, और हम अभी यहाँ से जा रहे हैं बाई बस। यार सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, अब देखते हैं आगे वाली फ्लाइट कैसी क्या हो रहा है। तो अभी हम जो है बस में आ चुके हैं, और ये वाली फ़्लाइट थी इसमें हम अभी आए थे दिल्ली। तो अभी दिल्ली में हम पहुँच चुके हैं, उसके बाद हमें जाना है ढाका। तो ढाका की फ़्लाइट पकड़ दी होगी आपको सारा कुछ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वॉशरूम से हम जो है रिफ़्रेश होकर आ चुके हैं बाहर, और अब हमने जाना सीधे टर्मिनल 3 पे, तो मिलते हैं आप सीधे वहीं पे। तो भाई यहाँ पे देखिए खाली सर भी आए हैं, देखिए खाली नक्रेट खाली यहाँ से जाते हुए बस में चढ़ रहे हैं टर्मिनल 3 के लिए। तो यहाँ से अभी हम टर्मिनल 3 पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं आगे।
आराम मिल रहा है यहाँ पे। यह है टर्मिनल 3। तो अभी हम इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं आगे। यहाँ पे लौंडा जो है सेल्फियाँ ले रहा है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर ये मार्केट है, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा देते हैं। और हमारी फ़्लाइट जो है 1 बजे, वो मिलते हैं यहाँ पे सीधे 1 बजे। आगे देखते हैं अब क्या करते हैं क्या नहीं। फिलहाल भूख लगी, खाते हैं कुछ खाना। तो देखिए स्टंट मैंने इधर पर जो है भूख डाली, ये क्या कहते हैं बुलेट इधर पर लटका ली थी। तो अभी हम चल पड़े हैं अपना लगेज लेके, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं हम ढूंढ रहे हैं अपना गेट नंबर से, और यहाँ पे अभी गेट नंबर 14 है। तो इधर से अभी हम चल रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। यहाँ पे चल चल के एयरपोर्ट ही ख़त्म नहीं होती। देखिए यहाँ पे अभी हम गेट नंबर 6 पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे देखिए बाहर कितने ज़्यादा लोगों ने पार्किंग यहाँ पे लगा के रखी है, कितने ज़्यादा बंदे जो हैं इधर ड्रॉप करते हैं अपने रिलेटिव्स को। और बाकी यहाँ पे देखिए एरोप्लेन जो है टेक ऑफ के लिए तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स अभी हम जो है इस प्लेन में चढ़ रहे हैं, ये जो है ढाका जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे इस प्लेन में। यहाँ से इधर से हम प्लेन में एंटर हो जाएंगे आगे जाके। मैं और मेरे पंटर स्टूडियो में बैठे हैं दिन रात छोटे छोटे जंप कर। अपने स्थान पर ही बैठे रहे और कुर्सी के पीछे बांध रखे। Requesting all passengers to kindly be seated with the seat belts fastened, please. Requesting all passengers to kindly remain seated. ताकि आई एम बैक विद यू फॉर योर ओन सेफ्टी प्लीज मेंटेन। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ढाका एयरपोर्ट। यहाँ से अपना सामान उठाते हैं लगेज, तो चलते हैं फिर अपने कॉलेज के लिए। देखते हैं आज ही के दिन हो पाएगा कॉलेज में जा सकते हैं आज की नहीं, सोचता तो आज ही जाना था। फिलहाल देखते हैं उस टाइम में अभी हम आ चुके थे, और यहाँ पे आया मेरा कॉलेज मेट इंदा। तो अभी हम चले हैं हमारे पीछे भाई, मार्क्स कॉलेज में जा रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसे जो है लगेज आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही इंतज़ार हो रहा है अपने बैग का, कब इसका बैग आएगा, बेचारा टेंशन में चले गया है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ से कंप्लीट कर दिया है फॉरनर्स एंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड से।
तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे जो सिम निकालने आए थे फोर जी नेटवर्क, तो बाकी तो गाइस अभी हम जो है अपना सामान चला रहे हैं और वहाँ पे बंदा वेट कर रहा है, तो ले रहे हैं अभी सामान को बाहर। फाइनली ढाका पहुँच चुके हैं, जैसे अभी हम जो है बांग्लादेश एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस ब्लॉग में रखते हैं इतना ही, बाकी हमको जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, फ्लाइट जो हमारी पहली फ्लाइट थी। तो इसी तरह इसी ब्लॉग को जो है पूरा देखना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग से। बाय फ्रेंड्स, ये रहा इंटरनेशनल शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका। अभी हम ढाका में पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम बंदरगाह पे चढ़े और ये रही हमारी गाड़ी, और यहाँ पे देखिए अभी ये है पानी नीचे, और ये बंदरगाह पे हम खड़े हुए हैं। अभी हमें जाने दूसरी लोकेशन पे, तो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लोड हो रही हैं, तो मिलते हैं आपसे आगे। बाय बच्चा। तो यहाँ पे अभी हम निकल पड़े हैं, गाड़ी यहाँ पे रही और यहाँ से हम निकल पड़े बंदरगाह से। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ यहाँ पे ये बोट जा रही है, और ये दूसरी बोट रही आगे, और यहाँ से हम चल रहे हैं। तो गाइस ये रहा जो है मेडिकल कॉलेज।